दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित बड़े छठ घाटों का भ्रमण कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया और बाकी बचे हुए कार्य को आज रात्रि तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। डीएम के भ्रमण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक, सदर अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी साथ साथ चल रहे थे। जिलाधिकारी सबसे पहले लहरियासराय जीएम टैंक छठ घाट गए और घाट पर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद वे जिला स्कूल छठ घाट, गंगा सागर छठ घाट, हराही छठ घाट एवं सीएम कॉलेज छठ घाटों का भ्रमण कर वहां पर नगर निगम दरभंगा द्वारा साफ सफाई, रोशनी एवं बैरिकेटिंग का कार्य का निरीक्षण किया। वहीं गंगा सागर एवं हराही पोखर छठ घाटों पर बैरिकेटिंग का कार्य पूरा नहीं पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा बचे हुए बैरिकेटिंग कार्य को आज रात्रि तक ही पूरा करने का निर्देश नगर प्रबंधन नगर निगम दरभंगा को दिया गया। इसके साथ ही सभी छठ घाटों एवं यहां पहुंचने वाले सभी मार्गों पर रोशनी की समुचित व्यवस्था कर लेने तथा लगातार साफ सफाई कार्य कराते रहने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर जिले में छठ पूजा की तैयारी को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सभी छठ घाटों सहित बृहत पैमाने पर सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष एवं बड़े छठ घाटों पर सहायक नियंत्रण कक्ष लगाकर क्रियाशील किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस पूरी सुविधा के साथ तैनात रखा गया है। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर किसी को भी फटाका, क्रेकर अथवा अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं आने दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी की होगी। लेकर के तालाबों को निरीक्षण की जा रही है। तालाबों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नाव में गोताखोर लाइफ जैकेट रखने का निर्देश एसडीआरएफ टीम भी हमारा दो मिल रहे हैं। उसके अभी प्रतिनियुक्ति दो जगहों पर किला घाट में और हराई पोखर में की जा रही है। अन्य जगहों पर नाव में गोताखोर और लाइफ जैकेट आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहेगी। लोगों से अपील है कि जिम्मेवार तरीके से अपने पर्व मनाए हैं। ये बहुत आस्था के पर्व है, तो बच्चे को विशेषकर ख्याल रखें कि बैरिकेडिंग जो किया गया विभिन्न तालाबों उसमें कूद करके अंदर ना चले। इस बार बारिश और बाढ़ की स्थिति से कई पोखर जिला में काफ़ी पानी की स्थिति है, पानी काफ़ी बढ़ा हुआ। तो हम लोग लोगों को भी मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि जिम्मेवारी के साथ विशेषकर बच्चे को ख्याल रखें। आज से ही पर्व शुरू हो रहा है, तो इसलिए अच्छे ढंग से मनाएं, आस्था के साथ मनाएं, उसी समय सुरक्षा का भी मतलब ख्याल रखें। सुरक्षा के दृष्टिकोण में जो व्यवस्था की गई है उस पर हम लोग तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन लोग भी जब तक जागरूक नहीं होंगे तो दिक्कत हो सकती है। यही मेरा सभी छठ घाट पूजा समितियों से ध्वनि विस्तारक यंत्र उत्तम व्यवस्था करने, लगातार माइकिंग करने रहने का आग्रह किया गया। साथ ही उन्होंने पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर को भी तैनात रखने को कहा गया। पूजा समितियों से आग्रह किया कि उनके द्वारा नियुक्त वॉलेंटियर छठ व्रतियों एवं अन्य लोगों को गहरे पानी में जाने से रोके ताकि किसी अप्रिय घटना घटित न हो। जिलाधिकारी द्वारा जिले वासियों को छठ पर्व महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त किया कि जिले में छठ महापर्व पूर्ण शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।